तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टाइलाइज्ड गेम्स के बारे में। तो यार अगर आपको स्टाइलाइज्ड ग्राफिक्स काफी पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 5 आपको ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जिनकी ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज्ड है एंड आपको खेलने में बड़ा मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, दिस इज सैम वॉकर एंड यू आर वॉचिंग बिग बेन जी। यार जो अपने टॉप 5 स्टाइलाइज्ड गेम्स की लिस्ट है उसमें जो पहला गेम है वो है बॉर्डरलैंड्स 3। तो यार जो बॉर्डरलैंड्स 3 है वो एक ओपन वर्ल्ड साइंस फिक्शन फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन शूटर गेम पसंद है एंड आप चाहते हो कि कोई स्टाइलाइज्ड एनवायरनमेंट को फर्स्ट पर्सन के अंदर एक्सप्लोर करे तो ये गेम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा। वैसे तो इस सीरीज के अंदर 4 गेम्स आ चुके हैं लेकिन मैंने ये फाइनल गेम है, मतलब फाइनल क्या, जो सबसे रिसेंट गेम है वो है बॉर्डरलैंड्स 3। तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि यार इसके जो ग्राफिक्स है वो एकदम हाई लेवल के हैं एंड स्टाइलाइज्ड में हाई लेवल के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है एंड अच्छा सिस्टम है तो इस गेम को डेफिनेटली ट्राई करना अल्ट्रा सेटिंग्स में। आप मतलब प्यार में डूब जाओगे इस गेम के साथ। एंड ये जो गेम था वो रिलीज हुआ था 13 सितंबर 2019 को एंड ये सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है, इंक्लूडिंग मैक ओएस, विंडोज, PS4, Xbox One एंड स्टेडिया के ऊपर। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि एक बार इस फ्रेंचाइजी को ही ट्राई करना पूरी को, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलो यार अब मूव करते हैं अपने सेकेंड गेम की तरफ। तो यार जो इस लिस्ट का सेकंड गेम है वो है डार्कसाइडर्स 2। वैसे तो डार्कसाइडर्स फ्रेंचाइज में अभी तक 4-5 गेम आ चुके हैं, उनमें टेबल टॉप गेम्स भी है, बट जो ये 3 मेन गेम्स है उनमें ये जो सेकंड वाला है वो बहुत ही शानदार लगता है मेरे को इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स। तो यार अगर आपने कभी डार्कसाइडर्स नहीं खेला तो मैं आपको बता दूं कि जो डार्कसाइडर फ्रेंचाइजी है वो एक हैक एंड स्लैश फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर मतलब मोस्टली आप तलवार वगैरह इनको यूज़ लोगे, आप हॉर्स को भी चलाओगे एंड जो ये जो गेम्स होते हैं ये सारे ओपन वर्ल्ड्स होते हैं जिनमें आप अलग अलग जो रास्ते वगैरह है, अलग अलग जगह है, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यार अगर कॉम्बैट्स वगैरह इनकी बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे डार्कसाइडर्स 2 के अंदर एंड जो इसके ग्राफिक्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये गेम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आगे, मतलब जो डार्कसाइडर्स 1 था ना उसके कंपेरिजन में तो ये गेम थोड़ा डिफिकल्ट है ही। तो दिल पे हाथ रख के इस गेम को खेलना अगर आपको ऐसे हैक एंड स्लैश गेम पसंद है जो कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट है। ये गेम शुरू शुरू में आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगा आप इस फ्रेंचाइजी को ही ट्राई करना पूरी को, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंचाइजी है अगर आपने प्रिंस ऑफ पर्सिया वगैरह ऐसे गेम्स खेले हैं तो। वैसे तो मुझे ये पूरी फ्रेंचाइजी पसंद है बट डार्कसाइडर्स 2 है ना, जो उसका कलर टोन वगैरह ये है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं तो बोलूँगा आप एक बार इसको ट्राई करना। वैसे ये गेम रिलीज हुआ था अगस्त 14, 2012 को, आज से 9 साल पहले, एंड जो इसके डेवलपर थे वो थे THQ। तो यार मैं तो बोलूँगा एक बार इस गेम को ट्राई करना या इस फ्रेंचाइजी को ट्राई करना, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 4 हो या प्लेस्टेशन 3 हो, Xbox 360 हो या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो या निंटेंडो स्विच हो, सभी मेजर प्लेटफॉर्म पे ये गेम उपलब्ध मिलेगा आपको। तो हाँ एक बार ट्राई करना इन गेम्स को। बाकी अपन मूव करते हैं अपने थर्ड गेम की तरफ। तो यार जो अपना थर्ड गेम है वो है द आउटर वर्ल्ड्स। तो यार द आउटर वर्ल्ड्स है वो रिलीज हुआ था अक्टूबर 25, 2019 के अंदर एंड ये सारे मेजर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। वैसे जो आउटर वर्ल्ड्स है वो एक फर्स्ट पर्सन शूटर्स की फ्रेंचाइजी है जिसमें अभी तक 2 गेम आ चुके हैं, जिनमें पहला तो द आउटर वर्ल्ड्स है एंड दूसरा द आउटर वर्ल्ड्स 2 है। इन गेम्स के अंदर अपन फर्स्ट पर्सन को एक्सपीरियंस करेंगे एंड लाइक बॉर्डरलैंड्स ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि फ्यूचर के अंदर सेट है एंड इसके अंदर आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसशिप वगैरह, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करने वाले हो। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इन गेम्स को इतना नहीं खेला इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ये गेम्स है वो सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है, लाइक प्लेस्टेशन 4 हो, एक्सबॉक्स 1 हो, निंटेंडो स्विच हो या विंडोज़ हो। तो आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहो तो खेल सकते हो। वैसे मैंने इसके गेम प्लेज वगैरह ये देखे, बहुत ही अच्छा गेम है। मैं इसको डाउनलोड करूंगा अभी थोड़े दिन में, मेरे पास गेम पास है तो उससे खेलूंगा, फिर मैं आपको एक तगड़ा रिव्यू बना के दूंगा। लेकिन सच में ये गेम्स बहुत ही शानदार है, मैंने इनका गेम प्ले देखा है, बहुत ही अच्छे गेम्स है एंड अगर आप बॉर्डरलैंड्स का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो ये गेम बहुत ही शानदार है। मैं तो बोलूंगा एक बार इसको ट्राई करके ही देख लेना क्योंकि मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। तो चलो यार अब मूव करते हैं अपने फोर्थ गेम की तरफ। तो यार जो इस लिस्ट में फोर्थ गेम है वो है केना द ब्रिज ऑफ स्प्रिट्स एंड जो ये वीडियो है उसमें सबसे लेटेस्ट गेम है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी गेम्स मैंने बताए उनमें सबसे नया गेम है केना एंड जो केना गेम है वो एक जंगल के अंदर सेट है। कहने का मतलब ये है कि ये फैंटेसी एंड इन सब चीज़ों से रिलेटेड गेम है जिसके अंदर आप मिली वेपन्स वगैरह, थोड़े बहुत मैजिकल वेपन्स वगैरह इनका यूज़ लेने वाले हो एंड
आइलैंड है, एक जंगल टाइप सी जगह है। वैसे मैंने खेला नहीं ये गेम भी, बट इसको खरीदने वाला हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर। तो इस गेम के अंदर आप जंगल वगैरह इनको एक्सप्लोर करोगे, मतलब क्यूट से क्रिएचर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इस गेम के अंदर जो सबसे तगड़ी चीज़ है वो ये है कि ये गेम स्टार्ट तो ऐसे होगा जैसे कोई नॉर्मल गेम हो, लेकिन जब आप इस गेम को हायर डिफिकल्टी में खेलोगे तो ये आपको डार्क सोल्स की याद दिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा गेम है जो कि दिखने में तो बड़ा ही स्टाइलाइज्ड है, एंड इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही शानदार है, इसकी जो सेटिंग है वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि फैंटेसी सबको ही पसंद होती है। क्योंकि यार जो इस गेम के अंदर है अपन बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे गेम्स आते हैं हर साल, लेकिन ऐसे गेम्स बहुत ही कम आते हैं जिनमें मतलब ऐसे अच्छे तरीके से हर चीज़ को दिखाया गया हो, एंड जिसका जो वर्ल्ड डिज़ाइन है वो भी बहुत ही शानदार हो। तो ऐसे गेम्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस गेम को ट्राई करना। एंड जो यार ये गेम था वो अभी लास्ट मंथ के अंदर ही रिलीज़ हुआ था 21 सितंबर को, एंड जो ये गेम है वो सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है, इंक्लूडिंग PlayStation 4, 5, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड एक्सबॉक्स के ऊपर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है आने वाले टाइम में। तो खेलना एक बार, मैं बोल रहा हूँ एक बार ट्राई करना, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलो यार अब मूव करते हैं अपने फाइनल गेम की तरफ। तो यार जो इस लिस्ट का फाइनल गेम है वो है सनसेट ओवरड्राइव, एंड ये गेम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियोज की तरफ से। वैसे इसको डेवलप तो किसी और ने किया था, लेकिन जो ये गेम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड जो एक्सबॉक्स वन वगैरह ये है उनके लिए ही एक्सक्लूसिव है। तो यार अगर इस गेम के बारे में बात करें तो ये एक थर्ड पर्सन गेम है, एंड जो ये गेम की स्टोरी है वो फॉलो करती है एक मतलब क्या बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक को। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली कि एक एनर्जी ड्रिंक पीने से सबके सब लोग जॉम्बी बन जाते हैं, बट जो अपना कैरेक्टर होता है जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो इस ड्रिंक को नहीं पीता, एंड वो बच जाता है कैसे भी। एंड जो ये जॉम्बीज बन जाते हैं वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं, ऐसे ऐसे करते पूरी सिटी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, एंड उस टाइम अपना हीरो है वही इस पूरी सिटी को बचाने के मिशन पे चालू हो जाता है। तो अगर आप ऐसे गेम को ढूंढ रहे हो जिसके गेम प्ले मैकेनिक्स टॉप नॉच हो, एंड उसके अंदर आपको जॉम्बीज म्यूटेंट्स वगैरह ये देखने को मिले, एंड स्पेशल वेपन्स देखने को मिले, आपको स्पेशल चीज़ें करने को मिले, आपको स्पेशल मिशंस मिले, क्वेस्ट मिले, आपको स्पेशल स्टोरी मिले, आपको स्पेशल ग्राफिक्स मिले, तो ये गेम एक बार ट्राई करना, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। मैंने अभी लास्ट ईयर ही इसको फिनिश किया है, एंड इसके बारे में मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो यार मैं तो आपको बोलूँगा कि इस गेम को तो यार प्लीज़ ट्राई करना, ये बहुत ही शानदार गेम है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। एक बार अगर आपको ये खेलने को मिल गया तो आप ये समझोगे कि इसको सारे दिन ही खेलता रहूँ मैं। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बनाया है, मतलब जिसने भी ये गेम बनाया है बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। तो एक बार आप इसको ट्राई करना, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इस गेम को एक बार ट्राई करना, इसके गेम प्लेस वगैरह ये देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे ये गेम मैंने आपको बता दिया कि जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स वन है, एक्सबॉक्स है एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, उन्हीं पे उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सक्लूसिव टाइटल है, तो आप इसको एक बार ट्राई करना। वैसे ये गेम रिलीज हुआ था October 28, 2014 को, एंड जो ये गेम है वो एक सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर दोनों टाइप का गेम है, तो ट्राई करना आप। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी आज की, मतलब इतनी ज़्यादा खास नहीं होगी मेरे को पता है क्योंकि मैंने थोड़ा रश करके बनाया है, लेकिन आपको कैसी लगी? इनमें से आपने कौन कौन से गेम्स खेले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, एंड आप कौन कौन से गेम्स आप ट्राई करने वाले हो वो भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलो यार अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।